हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। दुआ करता हूँ आप और आपके फैमिली वाले अच्छे हों। आप सभी दोस्तों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। चलो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का नया ब्लॉग। मेरी गाड़ी में एक पैसेंजर बैठे हैं। पैसेंजर हैं हमारे महाराज जी, छोटे वाले महाराज जी। कैसे हो महाराज जी? अच्छे हो महाराज जी? किधर, पंजाब के रहने वाले हो? नहीं, इधर ही रहते हो? पंजाब कभी गए नहीं? नहीं। सस्रेकाल। सस्रेकाल। वाहेगुरु दा खालसा। वाहेगुरु जी खालसा। वाहेगुरु जी फतेह। जो बोले सोनी हाल। चंगे हो महाराज जी। है पंजाबी मगर पंजाबी जरा कम कम बोलना जानते हैं। दोस्तों, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आदमी बचपन होता है, जवान होता है, बुढ़ा हो जाता है, मगर कई चीज़ ऐसी हैं जो वैसे की वैसी रहती हैं, वो ज़रा भी नहीं बदलती। दुनिया बदल जाती है। 19वीं सदी, फिर 21, फिर 20वीं सदी, फिर 21वीं सदी आई, मगर जो चीज़ है वैसे की वैसी रही। उसी चीज़ का एक नमूना आपको मैं दिखाता हूँ। एक छोटी सी चीज़ है, वो अभी तक नहीं बदली। क्या है वो दिखाता हूँ। देखो दोस्तों, ये चीज़ है, जब हम बच्चे थे तब भी ये चीज़ ऐसी थी, जवान हुए फिर भी ऐसी है, और बुढ़ापा हो जाएगा फिर भी ये वैसी की वैसी रहेगी। जिस जगह मैं रहता हूँ इसको यहाँ बोलते थे गुड़िया के बाल। जब हम छोटे छोटे थे ना तो ये बहुत खाते थे, और सेम कलर रहता था, सब चीज़ रहती थी। अभी जो लड़के अब बेच रहे हैं, कर रहे हैं, सच बोले तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। चाहे इतनी भाग दौड़ बड़ी भरी ज़िंदगी में, चाहे थोड़ी देर के लिए ही क्यों ना चाहिए, चाहे वो 10-15 मिनट के लिए ही चाहिए, मगर दिल में बहुत खुशियाँ हो जाती है, दिल खुश हो जाता है ऐसी चीज़ को देख के, और फिर खाने का दिल भी करता है। ऐसी प्यारी चीज़ है ये दोस्त। देखो बुला रहा हूँ यार, खाता हूँ मैं भी ज़रा, बहुत अच्छी लगती है मुझे तो। एक खाया जाए, कितने की एक? 10 रुपये की एक है। एक दे दो यार। कब से बेच रहे हो दोस्तों ये? अच्छा एक बात बताओ, ये सब वो सब काम धंधे छोड़ के यही क्यों बेचना शुरू कर रहे हो तुम लोग? नहीं बोले तो ये बहुत पुरानी चीज़ है, ठीक है, जब छोटे थे तब भी ऐसी पका करती थी, अभी बेच रहे हैं मगर बहुत कम लोग बेच रहे हैं, ऐसे बेच के तबीयत खुश हो जाती है देख के। तो यही क्या दिमाग में कैसे क्या आया तुम्हारे? चलो यार, बहुत अच्छा लगा मुझे यार आप लोग ऐसा ये बेच रहे हो, वरना कोई आदमी मजदूरी करता है, कोई आदमी नौकरी करता है, मगर ये जो काम कर रहे हो ना, बहुत अच्छा काम कर रहे हो यार। छोटे बच्चे से लेकर बुढ़े तक को ये पसंद है। ये लो दोस्त। अरे अरे गिर गया भाई, बहुत बहुत शुक्रिया तुम्हारा दोस्त। देखो दोस्तों, काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता, दिल लगा के मेहनत करके काम कर रहा है बंदा ये, और ऊपर वाला इसको रोजी रोटी तरक्की सभी दे। कहाँ रहते हो दोस्त तुम? गांधीनगर। रहने वाले किधर के हो? यूपी के रहने वाले। यूपी में किधर रहते हो? मथुरा के पास। अच्छा, फिर यहाँ अपना इधर कितने साल से रह रहे हो? एक साल हो गया जब से यही काम कर रहे हो आप। फिर वहाँ यूपी छोड़ के यहाँ इतनी दूर कर्नाटक में आए कैसे? क्या है? नहीं उसके बाजू में तो दिल्ली भी है, दिल्ली भी जा सकते थे। दिल्ली में ये लड़के काम नहीं करते कल से। अच्छा, बढ़िया कंपनी लगा उसमें घुस गए ये काम छोड़ के। अच्छा, यहाँ बोले तो ये जगह भी अच्छी है, शांत माहौल है, किसी की किरकिर नहीं, सिरकिर नहीं, मतलब मस्त आराम से मतलब लाइफ जी सकते हैं यहाँ पे। चोरी लपोरी भी नहीं इधर। अच्छा, दिल्ली में बहुत सारा है। दिल्ली में चोरी चपाटी बहुत होती है, यहाँ अपना ऐसा कुछ भी नहीं, पूरा शांत सब रहता है। रात को कितना भी आओ, कितना भी टाइम जाओ, कितना भी आओ, कोई लफड़ा नहीं इधर। हाँ, 24 घंटे में कभी भी वापस जाओ घर पे, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। घर प्रॉब्लम होता। चल मेरे भाई, बहुत अच्छी बात है यार। अब किधर बेचते हो आप लोग ये सब? मतलब घुमा फिरा के इधर इधर बेचते रहते हैं। चलो है। और अच्छे, मैंने एक बार और लिया था तुमसे, किले की तरफ से आते हो ना तुम्हें, वहाँ से किले की तरफ होते हो, वहाँ से रिक्शा स्टैंड से लिया था मैंने,
अच्छे हैं, बहुत मज़ेदार रहते हैं, छोटे बच्चों को बहुत पसंद है। देखो तो छोटे बच्चे भी ले रहे हैं, फिर भी ये सस्ते दे रहे हैं 10 रुपए में। दूसरी जगह के तो 15 रुपए में मिलता है, वो 20 रुपए का भी है वो, फिर भी तुम्हें 10 रुपए का दे रहे हो तो सस्ते दे रहे हो। नहीं जी, कई लोग भी बेचते हैं मगर वो जरा उतनी क्वालिटी अच्छी नहीं रहती, तुम्हारी अच्छी रहती है। मजा आ गया, अभी घर पे आया हूँ, जरा गेहूँ पिसवाने हैं तो जरा गेहूँ पिसवा के लाया हूँ, लाता हूँ। ये है अच्छे एकदम कल ही मार्केट से लेकर आए थे गेहूँ, तो जरा चक्की में जा, चक्की के पास जाके पिसवा के लेकर आता हूँ। मगर मने कर दिया उन्होंने, गेहूं का कुछ प्रॉब्लम है, कुछ चक्की में कुछ प्रॉब्लम वगैरह हुई है, पूरा चक्की खोल रखी है, तो उन्होंने का भी बहुत सामान रखा हुआ, मना कर दिया है। कहाँ जाना पड़ेगा, देखता हूँ दूसरी जगह जाता मिलती है कोई दुकान कोई चक्की वाली तो जाता हूँ, वरना घर पर रख के वापस काम पर निकलता हूँ, फिर कल या परसों जब शुरू होता है तब आता हूँ मैं।